रनआउट करना कोई आसान काम तो नहीं होता, और आज बात करेंगे 10 ऐसे रनआउट्स की जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 2 देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वैसे मेरा फेवरेट तो नंबर 4 है, बाकी आप खुद ही देखकर डिसाइड कर लीजिए। नंबर 10 पे है MS धोनी का नो लुक रनआउट। धोनी जैसा कीपर किसी भी टीम का सपना होता है। क्रिकेट में कहा जाता है कि बाज की नजर, चीते की रफ्तार और धोनी की फील्डिंग पे कभी संदेह नहीं करते। MS धोनी ने वैसे तो कई अजीबोगरीब रनआउट किए, लेकिन एक रनआउट ऐसा भी किया जिसने उनके कद को और ऊंचा कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहे एक मैच में रॉस टेलर ने बॉल को मिड ऑन की तरफ खेला और 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन धोनी ने बॉल कलेक्ट करके बिना स्टंप्स को देखे ही बॉल को स्टंप्स में मार दिया और रॉस टेलर रन आउट हो गए। ये थ्रो स्टंप से काफी दूर था और धोनी की जगह कोई और कीपर होता तो ये सॉलिड 2 रन थे, लेकिन धोनी तो धोनी है। जिसने भी धोनी को खेलते हुए देखा है वो अपने बच्चों को जरूर बताएगा कि एक खिलाड़ी था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था। अगला है जडेजा का बुलेट थ्रो। रविंद्र जडेजा को क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक माना जाता है। जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग बॉलिंग के अलावा अपनी फील्डिंग से 25-30 रन तो आराम से बचा लेते हैं और किसी भी टीम के लिए एक अनमोल हीरे की तरह हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहे एक मैच में उस्मान ख्वाजा ने बॉल को कट करने की कोशिश की और बॉल सीधे जाकर मिड ऑफ में खड़े जडेजा के हाथों में गई, और जडेजा ने तुरंत रिएक्ट करते हुए बॉल को नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो किया और उस्मान ख्वाजा रन आउट हो गए। थ्रो इतना तेज था कि बॉलर किसी तरह खुद को स्टंप के सामने से हटा पाया। रविंद्र जडेजा गेंद के ऊपर कुछ ऐसे झपट्टा मारते हैं मानो कोई शेर शिकार को अंजाम दे रहा हो। अब आता है ब्लफ बाई धोनी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो रहे एक मैच में धोनी ने मार्श को कुछ ऐसे सेटअप किया मानो कुछ हो ही ना रहा हो। मार्श ने शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ से उमेश यादव ने थ्रो किया। धोनी ने प्रटेंड किया कि मानो बॉल उनकी तरफ आ ही नहीं रही और अचानक बॉल पकड़ के रन आउट कर दिया। धोनी ऐसे ही काम एंड कंपोज रहते थे और अपनी स्ट्रेटजी कभी भी रिवील नहीं करते थे। वो हमेशा ऐसे रिएक्ट करते थे मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। नेक्स्ट है रन आउट बाई कोहली। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच के दौरान इंडिया विकेट्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था। बुमराह की एक इन स्विंगर बॉल टेलर की बॉडी से टकराती है और वो एक रन लेने की कोशिश करते हैं। बॉल विराट की तरफ जाती है और वो एक झटके में शेर की तरह झपट्टा मारते हुए बॉल को उठाते हैं और स्टंपे दे मारते हैं। विराट के इस थ्रो ने खेल पलट दिया और हेनरी निकोलस आउट हो चुके थे। विराट कोहली की फिटनेस के तो क्या ही कहने, ट्विटर पे ट्वीट देखा करो आप। अब आता है बुल साई बाई जडेजा। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि स्टीव स्मिथ को टेस्ट मैच में आउट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही अलग करना होता है, मतलब आप अपना बेस्ट देंगे तभी वो आउट हो सकते हैं। एक मैच में स्मिथ ने बॉल को मिड ऑन में खेला और डबल लेने की कोशिश की, लेकिन जडेजा के सीधे थ्रो ने स्मिथ को चलता कर दिया। जडेजा को सिर्फ एक ही स्टंप दिख रहा था और जडेजा के बुलेट थ्रो ने स्टंप उड़ा दिया और स्टीव स्मिथ रन आउट हो चुके थे। रविंद्र जडेजा जैसे फील्डर और मैच विनर किसी भी टीम का सपना होते हैं। जडेजा की फील्डिंग स्किल एक वीडियो में नहीं दिखा सकते। अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो जडेजा के ऊपर एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है धोनी द मास्टरमाइंड। ऐसे कई मैचेस हुए हैं जब बांग्लादेश जीत के करीब था, लेकिन धोनी के कंप्यूटर जैसे दिमाग ने बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीन ली। एक बार बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे एक मैच में धोनी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी उम्मीद थ्रो कर रहे फील्डर को भी नहीं थी। धोनी ने बॉल कलेक्ट करते ही सेम पोजीशन से सीधे स्टंप पे मार दी और नागिन डांस करने वाले डांसर मुस्फिकर रहीम शॉक में आ गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो क्या गया उनके साथ। यकीन मानिए, अगर स्टंप्स के पीछे धोनी है तो आप ज्यादा कंफर्टेबल हो नहीं सकते। अगला मेरा फेवरेट है अय्यर्स बाउंड्री थ्रो। एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहे एक मैच में श्रेयस अय्यर ने गजब का कारनामा कर दिखाया। जडेजा की बॉल पे स्मिथ ने सीधा चिप करके 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन अय्यर के सीधे थ्रो ने वार्नर को आउट कर दिया। जडेजा ने शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए सही टाइम पे खुद को बॉल की लाइन से अलग कर लिया और इंडिया को एक शानदार विकेट दिलाया। मतलब यहाँ भी जडेजा का कॉन्ट्रीब्यूशन तो है, यू कैनॉट कीप जडेजा आउट ऑफ द गेम। अगला है जडेजा इन हरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहे एक मैच में जडेजा ने इतनी फुर्ती के साथ रन आउट किया कि बैट्समैन टीवी के फ्रेम में भी नहीं था। रॉस टेलर ने सिंगल चुराने की कोशिश की, लेकिन जडेजा का थ्रोइंग आर्म इतना स्ट्रांग है कि पलक झपकाते ही बैट्समैन रन आउट हो चुका था। जडेजा अपने थ्रोइंग आर्म का यूज ओवर्स को जल्दी जल्दी खत्म करने में भी करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आपने थोड़ा सा टीवी से ध्यान हटाया और जडेजा का ओवर खत्म। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कोहलीज प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ये देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। विराट कोहली एक बहुत ही खतरनाक बैट्समैन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक खतरनाक फील्डर भी हैं।
इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच में शिवम दुबे की एक बॉल को कॉलिन मुनरो स्वीपर कवर की तरफ खेलते हैं। बॉल बाउंड्री पे खड़े शार्दुल ठाकुर के पास जाती है और इधर मुनरो जल्दी से दो रन लेने की कोशिश करते हैं और शार्दुल वहीं से डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में विराट कोहली गेंद को पकड़ लेते हैं। कोहली ने शार्दुल के थ्रो को कैच किया और फुल स्पीड से बॉल को मुनरो के एंड पे फेंका। बॉल जाके सीधे स्टंप पे लगती है और मुनरो रनआउट हो जाते हैं। ऐसा रनआउट बार बार देखने का मन करता है। और लास्ट है कैफ द मास्टर। इंडिया का जॉन्टी रोड्स कहे जाने वाले मोहम्मद कैफ एक बहुत ही खतरनाक फील्डर थे। मोहम्मद कैफ से पहले खेलने वाले लगभग सभी खिलाड़ी आलसी टाइप की फील्डिंग किया करते थे, लेकिन वो कैफ ही थे जिसने शानदार फील्डिंग करके फील्डिंग का एक स्टैंडर्ड सेट किया और आज इंडियन खिलाड़ी वही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। 2003 वर्ल्ड कप में हो रहा एक मैच के दौरान इंग्लैंड के बैट्समैन निक नाइट ने बॉल को टैप करके सिंगल लेने की कोशिश की और फुर्तीले कैफ ने चीते की तरह गेंद को पकड़ के डाइविंग थ्रो किया और बैट्समैन आउट हो चुका था। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।